हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत मस्त है। सो गाइज, हम आ चुके हैं कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग लेकर। सो गाइज, बने रहेंगे इस वीडियो में, तभी आप एडिटिंग सीख पाएंगे। सो गाइज, हैप्पी मकर संक्रांति, फोटो एडिटिंग आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है गाइज। बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है, तभी आप एडिटिंग सीख पाएंगे। चलिए गाइज, बिना देरी के वीडियो देखिए। यहाँ पे मेरा ये रियल पिक है, ठीक है गाइज। इस फोटो को हम एडिट करेंगे, ठीक है। ये वाला फोटो हम इस फोटो को पहले आप शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हैं हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग का फोटो है, ठीक है। ये मेरा फोटो है, ये वाला प्रीसेट है, ठीक है। इस प्रीसेट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए गाइज, इस प्रीसेट कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके, यहाँ पे थ्री डॉट है ना, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा, सबको अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है गाइज। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पेस्ट करने के बाद देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर पे आएंगे, कलर पे आएंगे, मिक्स पे आएंगे, ठीक है। ग्रीन वाला का सिचुएशन 100 कर देंगे, ठीक है। इसका सिचुएशन कुछ इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने का तो अपने फोटो को शेयर कर लीजिएगा पी कार्ड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो गाइज, हम आते हैं सिंपली यहाँ पे पी कार्ड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको इफेक्ट वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इफेक्ट पे। इफेक्ट पे क्लिक करने का आपको बैकग्राउंड ब्लर कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड को ब्लर कर लीजिएगा। देखिए गाइज, वन क्लिक में हम लोग का बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसका ब्लर कितना रखना चाहते हैं आप उतना रख लीजिएगा। हम कुछ इस प्रकार से 10 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको डन कर देंगे। सो गाइज, फोटो ब्लर होने के बाद आपको ऐड फोटो पे आ जाना है, ठीक है। हम PNG यूज कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये PNG हम यूज कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कुछ ऐसे बड़ा करके यहाँ ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको हाथ में कुछ इस प्रकार से लगा लीजिएगा ऐसे, ठीक है गाइज। यहाँ पे इरेज इसको कर दीजिएगा ताकि लगे रियल है, ठीक है। इसका साइज इस प्रकार से छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसको इरेज कर दीजिए। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना, ठीक है गाइस। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो पे आएंगे, ऐड फोटो करेंगे। ये PNG हम लोग का, ये PNG यूज कर लेंगे, ठीक है। ये PNG को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से डबल लेयर करके यहाँ से ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक। इसको ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसको डबल करके इस प्रकार से ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डन कर दीजिए। इतना हो जाने का गाइज, आपको फिर से इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ कलर पे आना है, ठीक है गाइज। कलर पे आने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। हमको ये अच्छा लग रहा है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको डन कर दीजिए। सो गाइज, इतना हो जाने का आपको फेस स्मूथ करना है, ठीक है। अपने फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्क्रैच बुक के अंदर, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ ऑटोडेस्क स्क्रैच बुक के अंदर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मेरा फोटो है। फेस स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। आपको ऊपर के साइड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ब्रश का। आपको ये वाला ब्रश से फेस स्मूथ करना है, ठीक है। ये वाला ब्रश ले लीजिएगा, ठीक है। इस ब्रश का सेटिंग आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से सेटिंग है, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा, अपने फेस पे ऐसे करके ड्रॉ कीजिएगा। देखिएगा फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपने फेस को फटाफट स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हम फेस स्मूथ कर रहे हैं। वीडियो फास्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस, ताकि ज़्यादा देर की वीडियो ना बने।